दोस्तों, एक दवा जिसका नाम डेक्सामेथासोन है, इस पर तजुर्बात ने साबित किया है कि इसका इस्तेमाल कोविड-19 या कोरोना के शिकार अफराद के लिए बहुत ही मुफीद साबित हुआ है। ये एक बहुत अच्छी खबर है। और दोस्तों, ये दवा डेक्सामेथासोन एक तवील अरसे से गंठिए यानी रूमाटाइड के जो इश्यूज़ हैं, दमा और COPD जिसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहा जाता है, इसके लिए भी ये दवा इस्तेमाल की जा रही थी एक तवील अरसे से। इस दवा पर एक रिसर्च हुई है और इस रिसर्च के इब्तदाई नतायज के मुताबिक वो मरीज़ जो वेंटिलेटर पर थे, उनको जब ये दवा दी गई तो उनका मौत का जो ख़तरा था वो बहुत हद तक कम हो गया। बल्कि ये कहा जा रहा है कि 3 गुना तक जो वेंटिलेटर पर मरीज़ थे उनका जो मौत का ख़तरा था वो 3 गुना तक कम हो गया। और इसके अलावा वो मरीज़ जिनको इंटेंसिव केयर यूनिट्स में ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही होती है, उनमें इस दवा के इस्तेमाल से जो मौत का शिकार होने की शरह है वो तकरीबन 5 गुना कम हो गई है। दोस्तों, इस दवा के तजुर्बात बड़े अरसे से किए जा रहे थे, यानी जब से कोविड-19 का जो पैंडेमिक है इसने तबाही फैलाई है, तो बहुत सी दूसरी दवाओं के साथ साथ इस दवा पर भी तजर्बे किए जा रहे थे। ये वो पहली दवा है जिसे कोरोना के सीरियस मरीजों की जान बचाने वाली दवा करार दिया जा रहा है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि डेक्सामेथासोन की कम खुराक से भी फेफड़े बीमारी का बहुत कम शिकार होते हैं और बीमारी की शिद्दत में कमी आ जाती है। इंटेंसिव केयर यूनिट्स में जहाँ पर इंतहाई सीरियस मरीज रखे जाते हैं, वहाँ पर यह दवा मरीज़ों को इंट्रावेनस यानी रगों में इंजेक्शन के ज़रिए दी जाती है, और जिन मरीज़ों की हालत ज़्यादा ख़तरे में ना हो उन्हें ये दवा टैबलेट्स की शक्ल में दी जाती है। दोस्तों, डेक्सामेथासोन एक सस्ती दवा है और पूरी दुनिया में दस्तयाब है। इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ 10 दिन तक किया जाता है और मुहक्किकीन का ये कहना है कि अगर इस दवा का इस्तेमाल पहले कर लिया जाता तो सिर्फ इंग्लैंड में ही कम अज़ कम 5,000 अफराद को मौत के मुंह में जाने से रोका जा सकता था। अगर इस दवा को कोरोना या कोविड-19 वबा के आगाज़ में ही इस्तेमाल कर लिया जाता तो वेंटिलेटर के तलबगार आधे मरीजों को बचाया जा सकता था। सो ये एक बड़ी कामयाबी है। इस तहकीक में करीबन 2,000 मरीजों को डेक्सामेथासोन की 6 मिलीग्राम की खुराक दिन में एक मरतबा दी गई और 10 दिन तक ये दवा दी जाती रही। इसके नतायज का मवाजना ऐसे 4,000 अफराद से किया गया जो कंट्रोल ग्रुप थे और उन्हें ये दवा नहीं दी गई। तो मालूम यही हुआ कि जो मरीज वेंटिलेटर्स पर थे इनमें मौत का ख़तरा 28 से 40% तक कम हो गया, और वो मरीज़ जिन्हें ऑक्सीजन की अशद ज़रूरत थी उनमें मौत का ख़तरा 20 से 25% तक कम हो गया। लेकिन ये बात काबिले गौर है कि इस दवा यानी डेक्सामेथासोन ने उन मरीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया जिनमें कोरोना की हल्की अलामत थी। सो मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, अब मास्क, सैनिटाइज़र, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, पल्स ऑक्सीमीटर, रेमडेसिविर, आइवरमेक्टिन और ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह इस सस्ती दवा को भी मार्केट में नायाब ना कर दीजिएगा। मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे तजुर्बात ये बता रहे हैं कि जब भी हमारे लोगों को कोई नई बात मालूम होती है तो हम अंधाधुंध उसकी तकलीद करते हैं और ये देखे बगैर, ये सोचे बगैर, ये समझे बगैर कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल कहीं दवा को मार्केट से गायब तो नहीं कर देगा, और फिर लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। ज़ाहिर है, जब दवा दस्तयाब नहीं होगी तो महंगे दामों मिलेगी और उन मरीज़ों को नहीं मिल सकेगी जो इसके सही हकदार हैं। दोस्तों, ये मेरा और आपका एक सस्ता इलाज है जिसे सिर्फ और सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल्स या इंटेंसिव केयर यूनिट वाले डॉक्टर्स ही इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों, माजी में डेक्सामेथासोन बहुत सी दूसरी बीमारियों में जो जिस्म में सोजिश पैदा करती हैं उस सोजिश में कमी के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। ये जिस्म में पैदा होने वाले इम्यून रिस्पॉन्स या साइटोकाइन स्टॉर्म्स की तबाही से जिस्म को बचाती है।
اور آخر میں اس دوا کے بے جا استعمال سے ہونے والے مضر اثرات سے بھی میں آپ کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ دوا اگر درست طور پر استعمال نہ کی جائے اور زیادہ عرصہ تک استعمال کی جائے، یا اس کا استعمال کرتے کرتے اچانک روک دیا جائے، اور اس دوا کو بند کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کی خوراک اور مقدار کو آہستہ آہستہ کم کیا جاتا ہے، اگر ان ساری باتوں پر عمل نہ کیا جائے یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق یہ دوائی استعمال نہ کروائی جائے، تو یہ بے چینی، بے خوابی یعنی نیند کی کمی، جسم میں پانی کی زیادتی یعنی فلوئڈ ریٹینشن، اور اس کے نتیجے میں دل پر بوجھ اور بلڈ پریشر میں خطرناک زیادتی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ دوا معدے کا السر کر سکتی ہے، پٹھوں کی شدید کمزوری، زخموں کے مندمل ہونے میں رکاوٹ، خون میں گلوکوز کی زیادتی یعنی شوگر کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ نفسیاتی مسائل، غنودگی، سر درد، آنکھوں میں سفید موتیاں اترنے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ یہ دوا ہڈیوں سے کیلشیم کے اخراج اور ہڈیوں کے کھوکھلے پن کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ سو میرے پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو کو ایک اچھی خبر کے طور پر ضرور شیئر کریں گے، لیکن دوا کا استعمال خود سے ہرگز نہیں کریں گے۔ ایک بار پھر بتا دوں کہ اس دوا کا استعمال صرف اور صرف مستند یا انٹینسیو کیئر یونٹس والے ڈاکٹرز ہی کر سکتے ہیں، یا ان کی ہدایات پر ہی اس دوا کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج ایک اچھی خبر مل گئی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ، پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔